ये है मेरा स्नेक प्लांट्स का जंगल जो कि सिर्फ एक ही पत्ती से बनाया गया है। तो दोस्तों आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक सिर्फ एक पत्ती से इतना अच्छा जंगल क्रिएट कर सकते हैं, वो भी इतना सुंदर लगता है। दोस्तों आप इसे इंडोर रखिए, आउटडोर रखिए, शेमीशेड एरिया में रखिए, कहीं भी नहीं सूखेगा और बहुत ही अच्छे आपके घर में हवा को ताजा करता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि कैसे आप स्नेक प्लांट्स का इतना अच्छा जंगल बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए ना तो हमें अपने पौधे को अलग करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने पौधों में कोई ऐसा पौधा फाइंड करना है जिसके अंदर एक छोटा सा स्नेक प्लांट निकला हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इधर से। ये भी इसमें भी सिर्फ दो ही टहनियाँ और ये दोनों बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। ये भी हमारे इसमें सारी बड़ी टहनियाँ हैं, इसके अंदर भी सभी बड़ी हैं। ये गमला भी सारी बड़ी टहनियों से भरा हुआ है, अधिकतर इन सब में ही बड़ी टहनी। अब हमें फाइंड करना है कोई ऐसा गमला जिसमें कोई छोटी टहनी निकली हो। तो दोस्तों इस तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इस तरफ मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि शायद हमें कोई छोटी टहनी मिल जाए। देखिए उधर हमारे पास है एक छोटी टहनी, ये जो कि अच्छे से ग्रो कर रही है, और हम इसे नहीं हम निकालेंगे दोस्तों किसी इससे थोड़ी सी बड़ी टहनी जो कि अब हमें, हाँ दोस्तों मिल गई। दोस्तों हम निकालेंगे अपनी इस वाली टहनी को इस पौधे से, और इसके लिए दोस्तों आपको गमले को पूरा निकालने की अलग करके ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हम इसी को इसके अंदर से निकालेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको नहीं डरना है कि उसकी जड़ आएगी या नहीं आएगी, सिर्फ आपको अपने पौधे को इस तरह से दोस्तों उसकी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा नज़दीक से। ये देखिए दोस्तों इतनी टहनी, अगर आपको दोस्तों ये भी मिल गया ना तो समझिए आपका पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो इसी को आज हम लगा करके एक अच्छे पौधे की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों अब चलिए हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी जो हमें पौधा लगाना है वो ले लिया है, उसके लिए हमने लिया है दोस्तों एक 6 इंची का छोटा सा पॉट। आप किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, बड़े छोटे, और ये 6 इंची के छोटे पॉट में भी लग जाएगा। करना कुछ नहीं है, आपके जो ड्रेनेज होल हैं सिर्फ उन्हें बंद करना है। दोस्तों इस तरह से मैंने ड्रेनेज होल्स को बंद कर लिया है। अब इस बड़े गमले में से हम इस छोटे गमले में इस मिट्टी को डालेंगे दोस्तों, और इसमें ऑलरेडी दोस्तों मैंने क्या क्या मिलाया है। स्नेक प्लांट तो दोस्तों एक ऐसा प्लांट है जिसे आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगाएंगे तो वो ग्रो हो ही हो जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए इसमें मेरे पास गोबर का खाद, नीम खली और थोड़ा सा हमारा गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट है, ये सभी मिश्रण मैंने ऑलरेडी तैयार किए हुए थे। हम इसी के अंदर इस पौधे को लगा देंगे। दोस्तों इस पौधे के लिए हमें बिल्कुल टेंट्रम करने की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी तरह का कि अब हमें ये वाला खाद चाहिए या अब हमें ये चाहिए। आप इसे अपनी गार्डन सॉइल के साथ रेत मिला करके भी लगा देंगे नॉर्मली तो ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया है, बस इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम पानी, और इसको हम इन्हीं इसी जगह पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हम दोस्तों यहीं साइड में दोनों गमलों के आसपास थोड़ी सी जगह बना करके हम इसे यहीं पर रख देंगे। और दोस्तों अब मैं आपको कुछ दिन बाद इसका वीडियो भी शेयर करूँगा आपके साथ और आपको दिखाऊँगा कि ये यहीं पे हो गया है। तब तक दोस्तों मैं आपको इसका दूसरा एक वीडियो दिखाता हूँ जो कि मैंने एक स्नेक प्लांट जो कि फेंक दिया था और उसे ऐसे ही गमले में डाल दिया था और वो वहीं ग्रो हो गया। तो दोस्तों वो है मेरा ये वाला पौधा, आप देख सकते हैं। इसको सिर्फ मैंने ऐसे ही दोस्तों फेंक दिया था क्योंकि एक्स्ट्रा हो गए थे और मैंने गमले में रख दिया था और मैं लगाना भूल गया था। तो दोस्तों ये वहीं के वहीं ग्रो हो गया, फिर मैंने इसमें ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। तो दोस्तों अब मैं आपको स्नेक प्लांट की एक और खास जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि आपके कमरे की हवा को बिल्कुल ही ताज़ा कर देगा। तो दोस्तों अगर आप कमरे की हवा को ताज़ा करने के लिए कोई पौधा ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों स्नेक प्लांट ही लगाएं। स्नेक प्लांट से बेस्ट कोई प्लांट नहीं है जो कि आपके कमरे की हवा को शुद्ध करता हो। तो दोस्तों स्नेक प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी है, आप अपने की हवा की कमरे की हवा को ताज़ा कर सकते हैं दोस्तों। और इसे आप एक पत्ती से एक टहनी से आप इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी मेरे पास 3 वेराइटीज़ हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं। एक तो दोस्तों है ये मेरी थोड़ी हार्ड लीफ वाली वेराइटी, दूसरी मेरी है ये थोड़ी स्नेक की तरह तो थोड़ी घूमी हुई होती है ये वाली वेराइटी दोस्तों आप देख सकते हैं, और तीसरी वेराइटी है दोस्तों मेरी येल्लो लाइन्स के साथ, ये येल्लो बॉर्डर के साथ तो हमारा दोस्तों स्नेक प्लांट होता है। ये 3 मेरे पास हैं, और चौथा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों मेरे पास जो कि मेरी इनडोर है।
वो है दोस्तों ये सेंसेवेरिया, ये भी स्नेक प्लांट की ही एक वैरायटी है जो कि हम अपने रूम में लगा सकते हैं। इसी तरह से मैंने रूम में ये एक और मैंने लगाया हुआ है स्नेक प्लांट, आप देख सकते हैं ये स्नेक प्लांट मैंने लगाया हुआ, इन दो कितना अच्छा चल रहा है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों आप स्नेक प्लांट को अपने रूम में, अपने घर के बाहर या शेड एरिया, सेमी शेड एरिया, कहीं भी इसे आप ग्रो कर सकते हैं।